शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र नगरी पन्ना में प्राचीन परंपरा अनुसार दो दिवसीय अंतर्राज्यीय महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पन्ना जिले के स्थानीय पहलवानों सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के सैकड़ा भर से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। पहले दिन 16 अक्टूबर को स्थानीय पहलवानों और कुछ दिल्ली और राजस्थान के पहलवानों की कुश्तियां हुईं। दूसरे दिन 17 अक्टूबर को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के पहलवानों के बीच शानदार मुकाबले देखने को मिले, जिसमें जम्मू के रिजवान गनी, अयोध्या के बाबा पहलवान, राजस्थान के बाटला पहलवान एवं शैतान पहलवान, पन्ना के संतोष पहलवान और हफीज पहलवान सहित कई पहलवानों ने कुश्ती जीती। महिला पहलवानों में रायबरेली की नीलम और हरियाणा की निर्जला ने मुकाबले जीते। कार्यक्रम के दौरान पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, गुनौर विधायक राजेश वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा, भाजपा नेता राम अवतार बबलू यादव, विधायक प्रतिनिधि विष्णु पांडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा, कलेक्टर सुरेश कुमार, पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा, एसडीओपी एसपी सिंह बघेल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जिनको अकाट प्रेम दंगल से है, कुश्ती से है, शायद वो पहले हमने तो उनकी पहलवानी नहीं देखी, वो भी एक पहलवान रहे हैं और इसलिए उनका पहलवान होने के नाते अखाड़े से जो मोह है, जो उनकी उससे लगन है, कुश्ती वो जो करवाते हैं और जिसको आज निरंतर ये पन्ना जिले की पूरी जनता एक कुश्ती की प्रेमी हमें दिख रही है कि इतनी बड़ी अपार संख्या में सब लोग खड़े हैं और हमारे पहलवानों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐसे हमारे कार्यक्रम में बीच में हमारे कलेक्टर महोदय भी हैं, हमारे एसपी महोदय भी हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष शिवजीत सिंह जी भी हैं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे विष्णु पांडे जी हैं, मनोज केशरवानी जी भी हैं और सभी हमारे, चाहे महाराजा छत्रसाल जी का जमाना हो, हमारे अखाड़े हरदम चलते रहे। आज हम ओलंपिक्स में भी देख रहे हैं कि हमारी इंडिया कुश्ती में बहुत अच्छा कर रही है, चाहे वो पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो। और इसलिए खासकर अजयगढ़ क्षेत्र में हमने ये देखा है कि दंगल का बड़ा शौक है। अभी धर्मपुर में भी दंगल हुआ था, ऐसे जगह पे दंगल कराने का एक बड़ा शौक है, लेकिन उसमें हम सबसे बड़ी भूमिका ये चाहते हैं इस दंगल के अंदर यदि पहलवान लड़े तो हमारे जिले के ज्यादा लड़े, बाहर के जरूर आते हैं, सहयोग चाहे हमारा हो चाहे प्रशासन का हो हम लोग करने को तैयार हैं। हमारे कलेक्टर महोदय भी हरियाणा से आते हैं जहां पहलवानी का बहुत बड़ा शौक है, वहां भी बड़े बड़े पहलवान हैं। नहीं, बुंदेलखंड में काफ़ी जगह लड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पन्ना की धरती पर पहली बार आया हूँ और यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, यहाँ की जो लोग हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, कमेटी और जिन्होंने दंगल कराया है सारे लोग मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत बढ़िया जनता है यहाँ की। जुनून को उसे कायम रखना चाहिए ना लोगों को, जो ये नई जनरेशन युवा पीढ़ी है ये इन चीज़ों को देख के पान बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, ये इसे छोड़ें, त्यागें, सुबह ही उठ के अभ्यास करें, इनके माँ बाप जो आस लगाए पड़े हैं हमारा बच्चा कुछ बनेगा। अब ये इतने बच्चे अगर पान बीड़ी गुटखा खाएंगे तो ये कुछ नहीं बन पाएंगे, ये आप भी जानते हो हैं। ये सुबह ही उठ के अगर अभ्यास करेंगे तो हर पन्ना के घर में, हर घर में जवान होगा, बाहर से पहलवान बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें बुलाओ या किसी और को बुलाओ, तो ये सब मेहनत और अभ्यास की होती है और कुछ नहीं होता। और वर्तमान में छत्रसाल व्यायामशाला की ओर से ये करवाया जाता है। इस बार खास बात ये थी कि दो दिन का दंगल था और महिला पहलवानों का भी आगमन हुआ था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पन्ना के भी पहलवान शामिल हुए थे। दो दिनों में 100 से ज़्यादा पहलवानों ने कुश्तियाँ लड़ी हैं। सबसे बड़ी कुश्ती जो थी तो 51,000 रुपये की थी, जिनमें ये बाहर के पहलवान एक रिजवान गनी था और एक जो पहलवान है मथुरा का पहलवान था ये थी, और महिलाओं ने भी कुश्ती लड़ी है। तो ये पुरानी परंपरा है, भारत देश का प्राचीन खेल है कुश्ती और पन्ना में भी ये बहुत पहले से परंपरा रही है, इसी परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं।